एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून. 1 बज गया है. और आप सबको हैप्पी दिवाली. दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं. भगवान आपके घर में हमेशा खुशहाली बनाए रखे और स्वस्थ रखे सबको. और बस ठंड लग रही है, मैं नहाकर आ गई हूँ. ठंड बहुत तेज़ लग रही है, तो सॉल्ट डाल रखी है. और क्या हो रहा है ना, 3 दिन से हम सामान खरीदते जा रहे हैं, फिर भी जो है शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है. और अभी फिर मैं गई तो अभी ये लेकर आई हूँ, ये फूलों की माला लेकर आई हूँ. तो ये माला लगानी है यहाँ पे, तो ये लग गया है बाहर, दरवाजों पे नहीं लगा है, तो वो लगाऊंगी. और पहले मैं खाना बनाऊँ. लंच मतलब सुबह नाश्ता तो मैंने करा नहीं है. बच्चों को तो करा दिया था, पराठे वराठे बना दिए थे और सबने कर लिया था नाश्ता. मैंने नहीं करा है तो भूख लग रही है मुझे, तो खिचड़ी बना रही हूँ. मैंने कहा खिचड़ी बना लेते हैं थोड़ी सी, फिर तो बाद में शाम को खाना बनाने बने गई है. और अभी राशन भी लेकर आए हैं हम लोग. राशन वाशन पूरा, ये देखो पूरा भीड़ लग रही थी, तो ये भी समेटना है. तो मैंने कहा चलो खिचड़ी भी बना लेते हैं और ये राशन जो है इसे भी लगा देते हैं और आपसे बातें भी कर लेते हैं, अपना व्लॉग जो है वो शुरू भी कर देते हैं. और अनिकेत अब गया है बम लेने के लिए, अपने उससे बम लेने बम लेने बम बम कर रखे. गुड्डों के लिए तो कल बाजार से ले आई थी मैं, पर उसने रात को ख़त्म कर दिए फोड़ के. तो वो अनिकेत गया है, अपने मामा के साथ गया है बम लेने के लिए. इन्हें जाना था लेकिन इनकी हो रही है तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो ये अभी गए हैं. अभी हेयर कटिंग के लिए गए हैं, फिर ये नहाएंगे. तो मैंने कहा चलो खाना बना लेते हैं जब तक. और यहाँ पे हम अपना सेट करते हैं ट्राइपॉड और अपना काम करते हैं. इसमें जो है मैंने राजमा भिगो रखी है, शाम को राजमा बनेगी. और अभी भी क्या हो रहा है ना कि सामान मैं लेने जा रही हूँ और सामान कम पड़ जा रहा है. अभी याद आया कि मुझे एक पोस्टर लाना है लक्ष्मी माता का, ये कह रहे थे बाहर लगाने के लिए, वो मैं भूल गई हूँ और दिए भूल गई हूँ. कल तो घर में रखे थे 4-5 दिए, वो लगा दिए थे. तो देखूंगी गुड्डो को भेजूंगी, गुड्डो ले आएगी जाके. मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज. और वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. घंटा भी ऑन कर देना, घंटा बजा देना. चलिए भी खाना बनाते हैं. और यहाँ पे जो है खिचड़ी बन गई है, देसी घी डाल लिया है, प्याज भी ले लिया है. और मठा मैंने नहीं लिया था क्योंकि ठंड लग रही थी, और छत पे बैठ के हमने खाया सारे परिवार ने धूप में बैठ के. और हुआ क्या, जो हमने क्लिप बनाई वीडियो बनाई वो हो गई डिलीट. तो किस वजह से, वही मेरे फ़ोन की जो है ना स्टोरेज फुल हो गई थी. मैंने सुबह वेलकम करा आपका, उसके बाद मेरी स्टोरेज फुल हो गई. और फिर मैंने इनके फ़ोन से बनाया, तो इनके फ़ोन से जब मैं अपने फ़ोन में ले रही थी तो वो दिक्कत हो रही थी, स्पेस नहीं था उसमें. उस पता नहीं, एक दो वीडियो बनाते जो स्टोरेज फुल हो जाती है उनका भी, मेरा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हो रहा है. तो उस बीच कल मैं ले रही थी तो उस बीच 2-3 जो क्लिप हैं वो भी डिलीट हो गई है. तो
हम लोग तैयार हुए शाम को, फिर खाना वाना खा के आराम करा, थोड़ा काम वाम निपटा के फिर हम अच्छे से तैयार हुए। मैं, मेरी बहन मतलब गुड्डू और भाभी भी सब तैयार हुए बहुत अच्छे से। वो वीडियो बनाई, वो भी क्लिप डिलीट हो गई है, मतलब काफ़ी मतलब जो है इसमें डिलीट हो गया। और इतना दुख हो रहा था ना मुझे, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी भर चुकी थी, स्टोरेज नहीं थी, और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि जिसके लिए इतने दिनों से तैयारी चल रही थी और वो ही शूट नहीं हो पाया। मतलब घर को मैंने सजाया था तो वो भी दिखाया था, तो बस अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और बस ये है कि फिर भी चलता फिरता व्लॉग तैयार है, कब क्या करें, गलती मेरी भी है, मजबूरी में हो गया ये काम। तो यहाँ पे जो है हम लोग तैयार होंगे, और पसंद आ तो मैंने रात में चढ़ा रही थी पकड़ने के लिए, तब तक मैं रंगोली बना रही हूँ। और बताइएगा ना, बहुत प्यारा लगता है येलो कलर, और ये मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट करी थी। और बस गुड्डू भी तैयार होके नीचे गई है, तो फोटो वगैरह खिंचवानी है, उसे रील बनानी है। बच्चों का होता है ना, एक बहाना सा मिल जाता है कि हम तैयार हुए हैं, तो आज मम्मी कुछ ना कुछ तो मतलब रील बनानी है, वीडियो होता ही है बच्चों का, और हमारा हमारा भी होता है। तो बस वो गुड्डू वो कर रही है, और अंधेरा हो गया, आप देख रहे हैं बाहर। और इस टाइम जो है मेरा खाना वाना सारा बन गया है, राजमा बना ली है, चावल बन रहे हैं सामने कुकर में, और हलवा नहीं बनाया था मैंने, ये कह रहे थे मिठाई ला रखा हूँ मैं, और रायता बन गया है, पूड़ी उतार रही हूँ। और बस अपना जो खाना वाना बना के फटाफट गाय जी मानी है, और भारी तैयारी कर रहे हैं दिवाली पूजन की। और बस अब उसके बाद क्या होना है, बम बम पटाखे फोड़ेंगे बच्चे, जिसका वो बेसब्री से वेट कर रहे कि मम्मी जल्दी जल्दी करो। और मैंने देखो ना, दिवाली का 3 दिन से वेट कर रही थी, और मैंने एक फुलझड़ी भी नहीं जलाई है। बस क्या बताऊँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी कमर में इतना दर्द, पैरों में इतना दर्द, और ठंड लग रही थी। और यहाँ पे अनिकेत वीडियो बना रहा था, तो वो दिखा रहा है आपको कि क्या क्या बना है। और रायता अभी अभी मैंने बूंदी डाली है उसमें, तो नमक डालना है, काला नमक, और काला नमक था नहीं तो मैंने भेजा है बच्चे को लाने के लिए। और बस फटाफट खाना बनेगा, अपना दिवाली पूज देंगे, और बच्चे बम पटाखे फोड़ेंगे, ये इन्हें दे दूँगी खाना खाने के लिए। अंधेरा, पूरा अंधेरा, लाइटिंग
और यहाँ पे मैं आई हूँ भैया के घर अपने, दिवाली देने आई थी भाभी को, तो आरती चल रही थी, आरती कर रहे थे तो मैं भी खड़ी हो गई। और यहाँ पे इन्होंने मंदिर बना रखा है जो बहुत सुंदर लगता है, और अंदर से मैं दिखाऊंगी कभी आपको, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे हम लोग जो हैं आरती कर रहे हैं, खड़े हैं सब परिवार, और यहाँ पे हम बैठे हैं पति पत्नी, बच्चे जो हैं नीचे बम फटाके फोड़ रहे हैं, खाना वाना खा लिया है, और थक गई थी मैं काफ़ी, मेरी हालत भी ठीक नहीं थी, कमर में दर्द था, तो ये कह रहे थे कि कैसी लग रही है, इन्हें हमेशा दिक्कत रहती, कहते तेरी ना आँख में फ़र्क है, एक आँख छोटी एक आँख बड़ी है, तो हम बस वीडियो बना रहे थे तो कह रहे थे फ़ोटो खींच ले, सेल्फी खींच ले, बात में आपसे कर रहे थे, हम दोनों बात कर रहे थे, पता नहीं वो वॉइस नहीं आई क्या हुआ, तो बस वीडियो का एंड करेंगे, लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आएगा तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और आप सबको मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएँ। ओके बाय, गुड नाइट।